अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रिजवाना सालिक है और मैं मॉडर्न हॉस्पिटल में एज ए चेस्ट स्पेशलिस्ट काम कर रही हूँ। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करूँगी वो है सिगरेट नोशी और इसके मुज़र असरात। दुनिया भर में हर 100 में से 22 अफराद इस बुरी आदत का शिकार है और अमवात की सबसे बड़ी वजह दुनिया में जो है वो सिगरेट स्मोकिंग ही है। तो अगर एक शख्स सिगरेट पीता है तो वो अपनी ज़िंदगी के वो 10 साल कम कर देता है और हर दिन के 11 मिनट उसकी ज़िंदगी से इस बुरी आदत से ज़ाया हो जाते हैं। इसको देखने के लिए ज़रूरी है कि इसके नुकसानात से हम वाकिफ़ हों ताकि इसको छोड़ने में मदद की जाए। सिगरेट में जो निकोटीन होता है वो हमारे रिसेप्टर्स को अपरेगुलेट करता है, यानी ये रिसेप्टर्स बढ़ते जाते हैं और वक्त के साथ साथ सिगरेट की तलब इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से ये एक एडिक्शन का शक्ल अख्तियार कर लेती है। यानी सिगरेट पीने वाला शख्स हर बार जो है वो सिगरेट पीने की तलब को बढ़ा हुआ पाता है। तो ट्रीटमेंट का तरीका ये है कि इन रिसेप्टर्स को ख़त्म कर दिया जाए। तो नुकसानात पे आ जाते हैं। सिगरेट जो है वो सर से लेकर पांव तक आपके सेहत को बुरी तरह मुतासर करती है। इसको पीने वाला शख्स जो है वो मायूसी, थकन, हत्ता के खुदकुशी के भी उसको ख्यालात आते हैं। और मर्दों की अगर बात की जाए तो उनमें जिंसी कमज़ोरी पाई जाती है सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। इसके अलावा इस सिगरेट स्मोकर्स जो होते हैं वो सांस के मसाइल उनको ज़्यादा होते हैं। औरतों में जो है वो बच्चे पैदा करने की सलाहियत बहुत बुरी तरह से मुतासर होती है और अगर बच्चे पैदा हो भी जाते हैं तो उनमें पैदाइशी नुक्स पाया जाता है। इसके अलावा जिल्द में झुर्रियों का आ जाना, वक्त से पहले बूढ़ा होना, ये सारी अलामत होती हैं सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे मुंह का, गले का, फेफड़े का, हत्ता के आंतों का सरतान भी होता है सिगरेट स्मोकर्स को। तो इन सारे नुकसान को देखते हुए ज़रूरी है कि इस बुरी आदत को जल्द से जल्द तर्क किया जाए। इसको छोड़ना शुरू में मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता अगर ज़ाहिर इरादा मजबूत हो। तो जिस दिन आपने सोच लिया कि इरादा मजबूत करके सिगरेट को ख़त्म करना है उसके बाद सिगरेट को हाथ नहीं लगाएं। शुरू में तलब होगी लेकिन उसमें यह है कि हम पेशेंट को फिर गाइड करते हैं कि आप अपना डिस्ट्रैक्शन करें, आप अपना ध्यान बटा लें, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे आपकी सिगरेट की तलब कम हो, जैसे शॉपिंग पे चले जाएं या किसी दोस्त अहबाब से बात कर लें, फैमिली मेम्बर से बात कर लें, वर्जिश ज़िंदगी का मामूल बनाएं और जो है वो ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल करें, इससे सिगरेट की तलब कम होगी। इसके अलावा अपने मॉलेज के मशवरे से कुछ दवाइयाँ हैं जो सिगरेट स्मोकर्स को सिगरेट छोड़ने में हेल्प करती हैं। अगर आप इस बुरी आदत का शिकार हैं और आपका इरादा मजबूत है और सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो मॉडर्न हॉस्पिटल में आप आइए, हम आपकी सिगरेट छुड़वाने में मदद करेंगे कुछ दवाइयों के ज़रिए और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के ज़रिए। हमसे आप रुजू करें।